ये बात वादा तौर पे कही गई है कि ये 10% रिजर्वेशन उनकी सेपरेट है, लिहाजा वो उन 9 सीटों पे ना फॉर्म भर सकते हैं ना चुनाव लड़ सकते हैं। हमें शेड्यूल ट्राइब मिलने के बाद वो सिर्फ पॉलिटिकल लोगों ने किया है कुछ कि हम वहां से चुनाव शायद ना लड़ पाए, लेकिन वो सीटें रिजर्व हो गई हैं और इनका 10% लक है। जब इंसाफ हक को इंसाफ की बात आए तो अगर कोई नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमोट रहे। मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा होने देगी तो वो गैर कानूनी होगा, गैर आइनी होगा और इंसाफ पे इंसाफ के मुताबिक नहीं होगा। मुख्तसर मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इस सिलसिले में रखी है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का बिगल बज चुका है जम्मू कश्मीर में और हुकूमत कह रही है कि हम जम्मू कश्मीर में सितंबर के महीने में चुनाव करवाएंगे, तो हम भी चुनाव कमीशन से मिलना चाहते थे लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन चुनाव कमीशन को लिख दी है जिसकी कॉपी हमने होम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, एसटी मिनिस्ट्री को भी भेज दी गई है और एलजी साहब को भी उसकी कॉपी भेज दी गई है। उसमें मुख्तसर ये कहा है कि वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं, 9 सीटें जो रिजर्व की गई हैं जम्मू कश्मीर में एसटी के लिए, जो एसटी 1991 में करार दिए गए थे क्योंकि वो 2011 की सेंसस के मुताबिक वो रिजर्वेशन हुई है और फिर जो डिलिमिटेशन हुई है वो भी उसी के मुताबिक हुई है सीटों की जो 2022 में डिलिमिटेशन हुई। तो ये जो दूसरे लोग हैं जिनको 2024 में शेड्यूल ट्राइब करार दिया गया है, उन्हें ये बात वादा तौर पे कही गई है कि ये 10% रिजर्वेशन उनकी सेपरेट है, लिहाजा वो उन 9 सीटों पे ना फॉर्म भर सकते हैं ना चुनाव लड़ सकते हैं। उन पे सिर्फ उन्हीं शेड्यूल ट्राइब का हक है जो 1991 और 1999 में शेड्यूल ट्राइब करार दिए गए थे। उस वक्त उनके जहन में ये बात हो ना हो, उस वक्त जो उन्होंने संघर्ष किया हमें शेड्यूल ट्राइब मिलने के बाद, वो सिर्फ पॉलिटिकल लोगों ने किया है कुछ कि हम वहां से चुनाव शायद ना लड़ पाए, लेकिन वो सीटें रिजर्व हो गई हैं और इनका 10% लक है और ये डिलिमिटेशन के और फिर सेंसस 2011 में हुई थी उसके मुताबिक वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व हुई है शेड्यूल ट्राइब के लिए। तब ये शेड्यूल ट्राइब नहीं थे, जब डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई उस वक्त भी ये शेड्यूल ट्राइब नहीं थे, ये 2024 में इसी साल शेड्यूल ट्राइब हुए हैं और वो भी अभी अदालत में चैलेंज किया हुआ है कि क्या बनता है। जब इंसाफ हक को इंसाफ की बात आए तो अगर कोई नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खामोश रहे। जब हम सामने देखते हैं कि एक नाइंसाफी हो रही है, गैर कानूनी चीजें हो रही है, गैर आइनी चीजें हो रही है, तो क्योंकि हम वकील हैं हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा ये दायित्व है कि हम बात करें। मैंने पहले अर्ज किया, हमने डिविजनल कमिश्नर साहब को एक खत लिखा था तो डिविजनल कमिश्नर साहब ने कहा था कि अगर ये मुमकिन हुआ तो मैं आपको बुलाऊंगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा श्रीनगर में ही इंटरेक्ट किया पॉलिटिकल पार्टी से, जम्मू में तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए। जम्मू को आज तक किसी ने कुछ समझा ही नहीं, इसी बात का दुख होता है, इसलिए हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और फिर रिप्रेजेंटेशन के जरिए हमने उनको अवगत करवा दिया गया, इन चीजों से अवगत करवा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देगी। अगर गवर्नमेंट ऐसा होने देगी तो वो गैर कानूनी होगा, गैर आइनी होगा और इंसाफ पे इंसाफ के मुताबिक नहीं होगा। हम उसको भी लेकर पहले जैसे कि हम अदालत में हैं, हम अदालत में जाएंगे क्योंकि अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही एक बड़ा इंसाफ का मंदिर है। अभी सेंसस उनकी होनी बाकी है, हमारी सेंसस तो हो गई 2011 में, अभी शायद 2026 में सेंसस है तो उनको वेट करना पड़ेगा। कोई नहीं तो इसलिए अभी ना ही तो सीटें उनके लिए रिजर्व की जा सकती है ना। फाइनली आप मतलब यही कहना चाहते हैं कि उनका कोई हक इन 9 सीटों पे चुनाव लड़ने का नहीं, जो 89 वाले एसटी हैं और 91 वाले वही चुनाव लड़ सकते हैं। इसका मुख्तसर सा रिप्लाई है, ये जो हमें रिजर्वेशन मिली है 1991 में, उसमें टोटल जो 15 कास्ट थी उन्हीं की जो पॉपुलेशन की जो हमारी सेंसस हुई थी लास्ट, जम्मू एंड कश्मीर जो उस वक्त स्टेट थी वो 2011 में हुई है और उसी को बेसिस पर रखते हुए चंद्र प्रकाश देसाई की जो एक वो सुप्रीम कोर्ट की जज रिटायर हुई हैं, जिसमें के शर्मा हमारे चीफ हमारे जे एंड के स्टेट के कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जे एंड के स्टेट के, और चंद्र प्रकाश थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर डिसाइड,
जब वो यहाँ जम्मू कश्मीर में आए, डिलिमिटेशन कमीशन जो शुरू हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी 2022 में, हम उनके साथ भी मिले थे 7 जुलाई 2022 को, और जो उन्होंने रिपोर्ट की दी है शेड्यूल ट्राइब की जो नॉन सीटेड रिजर्व हुई है वो 2011 की सेंसस के बेस पे हुई है। तो तब जो जो अभी नए शेड्यूल ट्राइब जो आए हैं जिसमें पाडर है, गदा ब्राह्मिन्स है, या हमारा जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल है, जब उनकी सेंसस पॉपुलेशन की हो जाएगी उसके मुताबिक ही सीटें उनको जो रिजर्वेशन होगी उसके मुताबिक अलॉट की जाएंगी, ना कि उस बेसिस के ऊपर। वो जो पुरानी हुई है 2011 के बेसिस पे हुई है, जब हमारी पहली सेंसस हुई थी, पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी, उसके बेस के ऊपर हमें मिला है। तो हम चाहते हैं कि उसके साथ इंटरफेरेंस नहीं की जाए, वो हमारी सीटें हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी सेंसस की करवाई जाए और उनको सेपरेट रिजर्वेशन दी जाए,